नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सर्वश्री सनातन धर्म संस्कार जन कल्याण समिति संगठन द्वारा एक पेड़ एक परिवार अभियान चलाया जा रहा है। सभापति नगर पालिका निगम उज्जैन कलावती यादव द्वारा एक पेड़ एक परिवार अभियान का पोस्टर का विमोचन किया गया, साथ ही सभी नागरिकों से पेड़ लगाए प्रकृति बचाए का संदेश दिया गया। कलावती यादव ने एक पेड़ एक परिवार में अपने संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक पौधा माँ के नाम प्रकृति बचाओ का अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत एक पेड़ एक परिवार की ओर से सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म संस्कारजन कल्याण समिति संगठन द्वारा कलावती यादव के द्वारा सभी नागरिकों को यह संदेश दिया गया। इस अवसर पर मौजूद संगठन मनोज कुमार रावत, अध्यक्ष उषा सोनी, भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण महिला मोर्चा अध्यक्ष कामिनी कौशल, राजेश व्यास, प्रेम नारायण उपाध्यक्ष, जमुना यादव, साधना पांचार, गौरव शर्मा, कृष्णकांत जोशी, अजय कौशल, दीपक जायसवाल एवं बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। संस्था है और ये संस्था में पर्यावरण के क्षेत्र में हर घर पौधा एक निश्चित रूप से पर्यावरण की दिशा में सरकार के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों से आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने का आह्वान प्रदेश की जनता से किया है। और अभी पिछले रविवार को नगर पालिक निगम उज्जैन के माध्यम से पूरे नगर में 151,000 पौधे एक दिन में लगाए गए। उसमें समस्त सामाजिक संस्थाएँ, विद्यार्थी, स्पोर्ट्स कर्मचारी, अधिकारी, सारे लोगों ने मिलकर, जो भी कोई भी शासकीय कार्यक्रम जो होता है उसमें जब तक समाज की भागीदारी नहीं हो तो लक्ष्य पूरा नहीं होता है। तो इस संकल्प को पूरा करने के कार्यक्रम में ये सोचते हुए संस्था आगे आई है और हर घर निःशुल्क पौधा विकल्प का इनका कार्यक्रम चल रहा है। आज एक फोल्डर का विमोचन उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से इस पुनित काम के लिए संस्था को, संस्था के पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।